नमस्कार बच्चों, मैं हूं हरी सर और एक बार फिर मैं आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाई चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। और बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरे को प्रेरणा मिल सके, मेरे को शक्ति मिल सके। साथ ही बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, इनर कवर्ड सरफेस एरिया सेकंड में करना, आउटर कवर्ड सरफेस एरिया थर्ड में करना, टोटल सरफेस एरिया। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाई है, ये देखिए आप यहाँ पर एक फिगर देख सकते हैं। इस टाइप का कोई पाइप है, ठीक है, जैसे आपके घरों में एक मामजिस्ता होता है ना, जिसमें कुछ कूटते हैं तो उसकी मोटाई भी होती है। देखिए यहाँ पर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है इनर डायमीटर, ये देखिए ये इनर डायमीटर है, तो हमें रेडियस फाइंड करनी होगी। और फिर ये आउटर डायमीटर भी है, ठीक है, इसका मतलब मोटाई भी तो आ गई ना, ये इसका हम बाद में जिक्र करेंगे। तो पहले बिल्कुल आइए इसको करना शुरू कर देते, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले आइए मैं इसको लिख लेता हूँ। सबसे पहले इसमें दिया गया लेंथ, दी लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप है 77 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इनर डायमीटर, इनर डायमीटर है बच्चों 4 सेंटीमीटर, तो हमें रेडियस चाहिए, रेडियस भी लिख लेते हैं। इनर रेडियस क्या हो जाएगी, तो डायमीटर का हाफ रेडियस होती है, तो 4 का हाफ क्या होता है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आउटर का भी लिख लेते हैं, यहाँ पर आउटर रेडियस, आउटर रेडियस देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4.4 ये डायमीटर है, तो इसका हाफ कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2.2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आउटर रेडियस मैंने डायरेक्ट लिख लिया, डायमीटर नहीं लिखा है मैंने। तो सबसे पहले बच्चों जो हमें फाइंड आउट करना है वो करना है, यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है बच्चों, इनर, तो मैं एक बार फिर लिख लेता हूँ, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला क्या होगा, 2πRH, यही होगा कर्व्ड सरफेस एरिया का, यानी अंदर की तरफ का एरिया निकालना। ये जो है ना, ये खाली पार्ट आप देख रहे हैं, होलो पार्ट, इसके अंदर का निकालना, अंदर भी गोल गोल होगा ना, जैसे आउटसाइड में गोल बना हुआ चारों तरफ, तो अंदर की तरफ का निकालना है, ठीक है। आइए निकाल लेते हैं, 2π की जगह π की वैल्यू, और रेडियस आपकी है 2, ठीक है, और h है 77, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 × 7 = 7, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 × 2 = 44, 44 × 2 = 88 इंटू 11, ठीक है, 11 से और कर लेते हैं, 11 ये 8 में अच्छे से बना देता हूँ, 11 × 8 = 88 का 8 कैरी 8, 11 × 8 = 88 और 8 = 96, ठीक है, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ गया इनर वाला। आइए सेकंड वाला भी हम कर लेते हैं, यहाँ पर ये देखिए आउटर, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ये बाहर वाला है, ठीक है। आप जैसे कोई भी कागज इस पे लगाएं, कुछ भी लगाएं, तो वो ये बाहर का आउटर वाला कहलाएगा, तो उसका भी फॉर्मूला होगा 2πRH, ठीक है, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई की वैल्यू, रेडियस आपकी है इसमें 2.2 और हाइट है वही 77, डिवाइड कर दीजिए 7 से, 7 × 7 = 7। आइए इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 22 × 44 को आइए पहले 11 से कर लेते हैं, 11 × 4 = 44 का 4 कैरी 4, 11 × 4 = 44 और 4
48, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब इसको 22 से कर लेते हैं, 2 4 8 यहाँ पर, 2 8 16 कैरी 1, 2 4 8 और 1 ये। अब क्योंकि सेकंड भी 2 से करना है तो से ये वर्ड यू के यू लिख दीजिए 1 डिजिट के नीचे क्रॉस लगा के, ठीक है। 8 यहाँ पर, 8 और 6 14 का 4 कैरी 1, 9 और 6 15 और 1 16 कैरी 1 और 9 और 1 10, ठीक है बच्चों ये आ गया। आइए मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। अब देखिए इसमें 1 जिसको 2.2 था, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो आप भी 1 डिजिट के बाद लगा दीजिए, ये आ गया आउटर का, ठीक है ये आ गया। तो बच्चों अब हमें जो थर्ड पार्ट में निकालना, टोटल निकालना है, या यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, थर्ड टोटल सरफेस एरिया, क्या होगा बच्चों, इनर, इनर का होगा एक तो इनर क्राउड सरफेस एरिया, प्लस यहां पर ले लेते हैं आउटर एरिया प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल, ठीक है बच्चों ये। अब देखिए बच्चों इस टाइप की फिगर में एक बार फिर लेके आता हूँ आपको फिगर के ऊपर। अब मान लीजिए इस टाइप का कोई बड़ा सा बर्तन आपके पास है और आपको कहा जाए कि इस पे अंदर की तरफ और बाहर की तरफ पेंट करना है, तो आपको चारों तरफ तो करना ही होगा। सेकंड यहाँ पर ये जो मोटा ये इसको भी पेंट करना होगा, ठीक है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मैंने लिखा ना एरिया ऑफ टू सर्कल, और ये ऊपर वाला पार्ट सर्कल टाइप का होता है ऐसे गोल, ठीक है ना, इस टाइप का होता है। और फिर अंदर की तरफ भी पेंट करना, क्योंकि अंदर से खाली है ना, तो अंदर की तरफ भी पेंट करना होगा। तो इसका इसे मीन टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया में ये फॉर्मूले आपके लगेंगे, ठीक है, क्योंकि इनर कर्व सरफेस एरिया हम निकाल चुके हैं, तो उसकी जगह आप सीधा लिख सकते हैं 968 प्लस आउटर भी आप निकाल चुके हैं तो आउटर की जगह लिख सकते हैं 1064.8 प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, इसको अभी निकालना है, ठीक है। तो टू सर्कल का निकालना है तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं इसको एक बार अब काटूंगा, क्योंकि इसमें देखिए एक बार फिर ये मोटाई का निकालना है, मोटाई वाला, ठीक है। तो अगर हम इस बाहर आउटर रेडियस में से ये आउटर रेडियस से यहाँ से ये इनर रेडियस माइनस कर दे तो ये रेडियस बच जाएगी, मोटाई वाली रेडियस बच जाएगी, वही हमें लेनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ब्रैकेट बना के बड़े आर में से मीन्स बड़ी रेडियस में से माइनस करनी है स्मॉल रेडियस, ठीक है ऐसे। आइए इसको भी ऐड कर लेते हैं, मैं ऐड करके लिख लेता हूँ, 8 का 8 आ जाएगा ना, यहाँ पर 1 पहले इस पर 4 है, यहाँ पर 8 है, 8 और 4 होता है 12 का 2 कैरी 1, 6 और 6 12 और 1 13 कैरी 1 आ गया, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 9 है, 9 और 1 10 10 की 0 आ गई कैरी 1 और 1 और 1 2, ठीक है बच्चों ये आ गया। आइए यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पर बिग रेडियस जो है 2.2 है, ठीक है बच्चों ये मैं लिख देता हूँ, स्क्वेयर और माइनस स्मॉल आर, ठीक है, या और स्मॉल है 2 तो 2 का स्क्वेयर ऐसे। तो इसको आप चाहे तो a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर के फॉर्मूले पे लिख सकते हैं, उससे बड़ा आसान हो जाएगा। आइए 2032.8 प्लस इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ 44/7 आ गया और इनटू, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर में लगाएंगे तो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है बच्चों। तो आइए इसको एक बार फिर, काफ़ी लेंथी सवाल है, तो 44/7 यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं तो आ गया 4.2 इंटू, इसको माइनस किया तो आ गया 0.2, ठीक है बच्चों। आइए 7 से इसको डिवाइड कर लेते, 7 1 जा 7 7 6 जा 42, ठीक है।
अब यहाँ पर मैं देखो अब मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, इन 44 इंटू 0.6 इंटू 0.2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 44 और 6 को 2 से कर लेते, 6 टू जा 12, तो 12 से कर लेना है इसको, ठीक है। 2 4 जा 8 1 4 जा 4 1 4 जा 4, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा यहाँ पर 8 8 और 4 12 और कैरी 1 4 और 1 5, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब मैं इसकी जगह ये लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर 2032.8 प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करने पे आ गया 528। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिसको मल्टीप्लाई किया वन डिजिट के बाद इसमें डेसिमल पीछे से काउंट करें तो वन के बाद इसमें टोटल टू हो गए, तो आप भी टू के बाद डेसिमल लगा दीजिए, 1 2 यहाँ पर। आइए इसको ऐड कर लेते हैं इधर, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से इधर 5 है, ठीक है, ये देख सकते हैं, और इधर 2 है, इधर 8, इसके पीछे 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 का 8 आ गया, 8 और 2 10, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 0, 5 और 2 7 और 1 8 3 0 2, तो ये आ गया बच्चों। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया है। तो बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।